हेलो, सुनिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपको एक डाउट है, वो मैं क्लियर कर दूं ज़रा। सर, ये जो आज आपने चैप्टर कंप्लीट करवाया है वो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का, उसका जो सर फर्स्ट यूनिट है उसके जो सर क्वेश्चन आंसर थे, उसका जो डी पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप है, उसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका आंसर सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर बुक में ये भी लिखा है कि कभी कभार उसके अंदर मतलब बैक्टीरिया फाउंड होता है ऐसे डिजीज हुआ, उसमें ये भी लिखा है कि वो लोग मतलब फूड को न्यूट्रलाइज करके सील करते हैं, तो सर अब समझ नहीं आ रहा है कि वो सेफ है ही नहीं है, तो ये आंसर आप जरा सा कल मेरे को एक बार ही बता दीजिएगा सर। अब आपका वाला चैप्टर तो ये आपने सिक्स वाला मेरे से आंसर पूछा है ना। इज टिंड और सील्ड फूड ऑलवेज सेफ टू ईट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो आता है ना, वो आता है ऑलवेज। उन्होंने इटैलिक करके भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ऑलवेज है ना। अगर आप थोड़ा देख पा रहे तो थोड़ा इटैलिक कर रहे हैं, नहीं भी क्या तो कोई बात नहीं। ऑलवेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट की वर्ड है, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है उन्होंने वहाँ पे? इज इट ट्रेंड और सेफ? बिल्कुल ऑलवेज सेफ, बिल्कुल नहीं। सत्य यहाँ से है कि इस तरह का एक बैक्टीरिया होता है जो केवल टेंट और सील्ड फूड में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे खाने को तो कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कब? अगर हमें लग रहा है कि वो कैन फूली हुई है, अगर हमें लग रहा है कि वो कैन फूली हुई है, तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो आपको ये लिखना चाहिए, और आपको ये चीज़ बहुत हाईलाइट करके लिखनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट बताया, मतलब अगर आपको लॉन्ग लिखना है, बहुत लॉन्ग, तब पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, पर उसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ गैस लॉज पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चैप्टर काफी बड़ा है, ये वाला काफी बड़ा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वीक, इंटर पार्टिकल स्पेस इज लार्ज, दैट द पार्टिकल बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस नोन एज द गैसियस स्टेट। क्या मतलब है सर इसका? वो कैसा है ये तरह गैसेस स्टेट किसको बोलते हैं? किसी भी मैटर, हम कहते हैं मैटर, जो मैटर गैसेस स्टेट में अपनी गैसेस फॉर्म में है, तो कब किसी चीज को गैसेस फॉर्म में बोलते हैं? तो वो कह रहा है अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है, अट्रैक्शन कम है मतलब वो दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन कम है मतलब उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है ना, इसका मतलब वो दूर दूर होंगे। और फिर कह रहे हैं कि इसमें स्पेस भी ज्यादा है, सर दूर दूर है और इस पर बहुत ज्यादा, यानी वो आराम से आपस में मतलब बहुत जगह वहां पर तैरने के लिए, एकदम फ्लो फ्लूड के लिए, और फ्लो फ्लूड कब तब कर पाएंगे जब वो गैस फॉर्म में होंगे। तो वो कह रहा है अगर इंटर पार्टिकल, सबसे कीवर्ड जो है वो ये है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, स्पेस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल अपने गैसेस स्टेट में है, ठीक है। अ गैस ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस ऑफ द कैप इन व्हिच इट इज कैप्ड एंड सो टेक्स द शेप ऑफ वेसल। बताइए कुछ सुनने को क्या नहीं? ऑल गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर और कलर और ऑर्डर। क्या कह रहा है?
वो कह रहा है कोई सी भी गैस ले लो, कोई सी भी गैस, अगर वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर से तो सभी गैसों का जो बिहेवियर होगा ना वो सेम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता कि उनका केमिकल नेचर क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी स्मेल क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे में मैं ला माफ कर दूँ अपना। चलो देखें रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, एक बार कन्फर्म कर लें। चलो हो रही है सर। बिहेवियर आप कह रहे हो कि सेम है, तो होता क्या बिहेवियर तो नहीं सता रहे। एंड बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इम्पोर्टेंट। गैसेस आर कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस आर कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस में मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है, दैट आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, मोशन जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। काइनेटिक थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्ट सिंपल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रेशर एंड द प्रेशर द वॉल्व एंड द टेंशन ऑफ गैस। वो कह रहा है एक थ्योरी है जो एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकती है। सर रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। वो कह रहे हैं काइनेटिकल, वो काइनेटिकल मॉलिक्यूल थ्योरी ही है जो गैस के बिहेवियर प्रॉपर्टीज को भी समझाती है। ठीक है फिर समझ लो, अगर समझाती है तो पहला कह रहा है कंपोजिशन ऑफ गैसेज, कंपोजिशन ऑफ गैस के बारे में क्या ये काइनेटिक थ्योरी कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी कहती है। गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट ऑल पॉसिबल स्पीड। सर जहाँ ये फैल सकती है वहाँ फैलती है। आप स्प्रे करके देखो अपने रूम में, है ना, आप थोड़ा तो ऐसा नहीं कि जिस डायरेक्शन में आप उसको स्प्रे करोगे उसकी स्मेल उसी डायरेक्शन में है, वो हर पॉसिबल जगह पर जाने की कोशिश करेगी, पूरे रूम तक फैल जाएगी। ठीक है एट ऑल पॉसिबल स्पीड और जल्दी से जल्दी, सर बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी। द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजेबली स्मॉल इन साइज, नेग्लिजेबली स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेस। वो कि इनका जो साइज होता है ना वो मतलब नेग्लिजेबल होता है, नेग्लिजेबल मतलब क्या आप देख नहीं सकते हो, होती है कि मतलब इतनी तेज होती है कि मतलब इतनी तेज होती है कि मतलब पूरे रूम को कवर कर लेते हैं, पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है। ठीक है लेकिन पूरे रूम में स्मेल तो फैल जाती है लेकिन पूरे रूम में दिखाई नहीं देती है क्या, तो बहुत बहुत नेग्लिजेबल पार्टिकल होते हैं, आप ध्यान भी नहीं दे सकते, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं आप कि नहीं देखते। गैसेस है वो नए तरफ मार्क कर लो, गैसेस का नया फिक्स वॉल्यूम नारा फिक्स शेप। गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी। तो इसका कोई फिक्स जो पैरामीटर नहीं है कि आपने इस पर स्प्रे आपने सपोज करो एक क्या कहते हैं घर में स्प्रे किया। ठीक है तो जरूरी नहीं कि वो आपके रूम में फैले, अगर आपके रूम के गेट खुले होंगे तो वो गेट के बाहर भी चले जाएगी। ठीक है तो वो सब फिक्स वो नहीं होता है वॉल्यूम, है ना, नॉट सेफ, सेफ तो आपको दिखाई नहीं, तो सेफ कहाँ से आप देख सकते हो उसकी। ठीक है वो कह रहा है यहाँ पे जो साइज होता है वो भी तो छोटा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी हम लोग देखा था कम होता है, तो नेग्लिजिबल होता है बिटवीन दी पार्टिकल्स, है ना। देयर फॉर द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, और क्योंकि वो फ्री वो एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं तो वो आराम से फ्रीली मूव करते रहते हैं, और एडर स्पेस अवेलेबल टू देम, और जितना स्पेस उनको मिलता है वो उनमें घूमते रहते हैं। देयर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हाँ बस वो जिस हम कह रहे हैं कि कहीं भी जा सकते हैं तो कहीं भी से हमारे मतलब नहीं, मतलब क्या अगर आपने अपने घर के अंदर स्प्रे किया है
एकदम बिल्कुल बंद नहीं, एकदम बिल्कुल ही बंद, तो घर से बाहर थोड़ी जा पाएगी। तो जिस कंटेनर में ये है वहां से बाहर नहीं जा पाएगी, अगर बाहर जाने की जगह है तो चल जाएगी, बाहर जाने की जगह नहीं तो नहीं जा पाएगी। दस दे अटेंडेंस शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, इसलिए अगर वो किसी वेसल में है तो वो उसकी वेसल की शेप ले लेंगे, ठीक है। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैस प्रेशर छोड़ती हैं, गैस प्रेशर करती हैं हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्रेशर करते हैं। द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड, कोलाइड टक्कर मारना, एक दूसरे से टकराना। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, वो आपस में टकराते हैं, एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और कंटेनर के साथ से। ड्यू टू दिस कॉलिजन, इन कॉलिजन, इन कॉलिजन के जैसे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर छोड़ते हैं। इट हैज़न फाउंड दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर और सर्टेन टाइम पर सर्टेन एरिया में, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्टैक अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर। ये सेम नंबर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर पर स्ट्राइक करते हैं। दस गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन डायरेक्शन, से प्रूव होता है कि गैस प्रेशर छोड़ती है। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल आप इनको दबा सकते हो। देर लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, काफी सारे स्पेस होता है सर इनके बीच में, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ना, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, एंड दिस अकाउंट फॉर द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। और यही बात है कि इसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, दस डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जैसे हम प्रेशर लगाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा पास में आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और उनका वॉल्यूम कम होने लगता है। गैस इज हाईली एक्सपेंसिबल, एक्सपेंसिव मतलब जहाँ जगह मिले वहाँ पहुँच जाते हैं। गैसेस इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो कह रहे हैं गैसेस जैसे प्रेशर कम, जैसे प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। व्हेन प्रेशर इंक्रीज गैस इज रिड्यूस, जैसे ही किसी गैस के ऊपर से प्रेशर कम हुआ, इट्स पार्टिकल्स मूव आउट, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उनके बीच में स्पीड घट जाता है। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, और जैसे वो दूर हो जाते हैं वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगते हैं, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो लिखा हुआ कि वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाता है। और वैन एन एंट्रोज हीट, जैसे क्लोज गैस को हीट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिकुल्स इंक्रीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी मूव करने की जो वो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मॉलिकुल्स स्टार्ट तेज तेज भाग, तो वो तेज तेज भागने लगते हैं एंड दूर दूर भागने लगते हैं फ्रॉम ईच अदर, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। और इससे भी उनका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर ये दो लाइन तो बेकार थे, लाइन तो केवल ये वाली इंपॉर्टेंट थी कि गैस जो है, गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कब होगा, वो इंक्रीज कब होगा, या तो प्रेशर कम हो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो, ये दो रीजन है, ये दो रीजन है। तो वो दो रीजन यहाँ पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इन अ गैस इज वेरी स्मॉल, जैसे नंबर ऑफ यूनिट पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको तो डेंसिटी बोलते हैं, जो डेंसिटी वो डेंसिटी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वर्ड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कि एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, एक यूनिट ऑफ स्पेस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, इसको तो बोलते हैं डेंसिटी। अगर ज़्यादा आ सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बोलेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, कम आ सकते हैं तो बोलेंगे डेंसिटी कम है। तो गैसेस की डेंसिटी कम होती है, गैसेस की डेंसिटी कम होती है क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, बिकॉज एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉरी यहाँ पे एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। गैस और लार्ज के बीच हमारे स्पेस, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दूर दूर होते हैं ना, इसीलिए एक जगह पर ज़्यादा आ नहीं पाते हैं,
देखो गैस है बेस, लो डेंसिटी, तो इनका नेचर ही ऐसा है कि दूर दूर जा पाते हैं, पास आ नहीं सकते। पास आए तब एक जगह पर ज्यादा लोग आ भी पाए, तो वो तो दूर दूर रहते हैं, तो एक जगह पर ज्यादा नहीं आ सकते। गैसेस टू मिक्स विद अनदर, टू मिक्स विद अनदर, गैसेस की टेंडेंसी होती है नेचुरल, टेंडेंसी आदत, टेंडेंसी ने समझा आप, आदत, गैसेस की आदत होती है, नॉर्मल है ये, और नेचुरल है ये, कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इंटर पार्टिकल स्पेसिस इन अ गैस अगर, पढ़ते आ रहे हैं इतनी बार और पढ़ते जा रहे हैं इसी को। फैन टू गैसेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, जैसे दो गैसेज आपस के कॉन्टेक्ट में आती हैं, देर मॉलिक्यूल्स मिक्स विद ईच अदर, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से होमोजीनियस गैसेस मिक्सचर है वो फॉर्म होता है। कि होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या, सेम तरह की गैस का मिक्सचर, ऐसी गैस जिसमें सेम तरह की गैस है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम तरह की गैस है वो बनता है, यानी सेम तरह की गैस जो होती है नाइबर मिक्स हो जाती है, नाइबर मिक्स हो जाती है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस केप्ट इन कॉन्टेक्ट और मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको बता दी, अब थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इफ यू ओपन अ जार ऑफ क्लोराइन और अमोनिया इन लार्ज रूम, एक बड़े रूम में आप ओपन करते हो, द ऑडर प्रेजेंस ऑफ द गैस कैन बी डिटेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, उसकी स्मेल हो गई ना, आप रूम के किसी भी कोने पर आप स्मेल कर सकते हो विदिन फ्यू सेकंड, यानी बहुत जल्दी मूव करते हो। वैसे क्लोरीन जो है ना वो हवा से भारी होती है, हवा से भारी होती है सर, हवा से भारी होती है तो सर उसको हवा में होना नहीं चाहिए, तो हवा से भारी तो हवा से नीचे होनी चाहिए, यानी जमीन पर होना चाहिए सर। भारी होने के बाद भी इट डजन रिमेन एट द फ्लोर, ये फिर भी जमीन पर नहीं रहती है, बट स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, अपर रूम में फैल जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइन कमिंग आउट ऑफ द जार कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स, ये जो क्लोराइन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पार्टिकल से टकराते हैं, ठीक है, और दे स्टार्ट मूविंग इन हेफजर्ड मैनर, हेफजर्ड मैनर मतलब द मोमेंट ना, कहीं भी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, स्टिल देयर इज कंटिन्यू, स्टिल देयर इज एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पार्टिकल्स थ्रू आउट द रूम, और जब तक तो उनका पार्ट, उनका जो मतलब वो होता है क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, मतलब उनका जो रेशो बोलो, प्रोपोर्शन सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो पूरे रूम में स्प्रेड होते रहते हैं। 2 सेकंड रुकना ज़रा, गेट देखो मैं गेट लगा हुआ है कि नहीं लगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, सही क्या कह रहा है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, लिक्विड में चेंज, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, हाँ वो कह रहा है हो सकता है, तो है ना आपको पता होगा मेरे ख्याल से, प्रीवियस चैप्टर सामने जैसा पढ़ा है कुछ। ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस, जैसे हम उसको ठंडा करते हैं गैस को, तो उसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जिस वजह से मूव कर पाते हैं, वो सब रिड्यूस हो जाता है। एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ कूल्ड गैस, जैसे आप उस पर प्रेशर लगाते हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज में आ जाते हैं, यानी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, हैंस और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनके बीच में जो स्पेस रहता था बढ़ जाता है, वो कम हो जाएगा, हैंस द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस गेट्स रिड्यूस, वो लिखा हुआ है। एंड देर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिकल्स, हर अब एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक इस लिमिटेड स्पेस में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, हैंस देर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और इस तरह से गैस हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, इस तरह से गैस लिक्विफाइड हो जाते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ पहले देखो इन सौ पहले तो पढ़ो सारे, है ना, पढ़ने के बाद इन सबके पहले हेडिंग याद करना, हेडिंग के बाद इनके अंदर मेरा कंटेंट, कंटेंट याद करने का मतलब मेरा है कि वर्ड टू वर्ड नहीं, बस मेरा इस हेडिंग के अंदर क्या प्रूव किया गया, क्या समझाया गया। ठीक है।
अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या कह रहे हैं, मॉलिकुलर मोशन। मॉलिकुलर मोशन, मॉलिकुलर मोशन मतलब मॉलिकुल्स के बीच में मोशन होता है। ओहो चलो अच्छा टॉपिक है ये, समझने के लिए, याद करने के लिए है या नहीं पता नहीं, बस समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। समझो मैं पहले समझाता हूँ बिना इसको पढ़ाए, है ना। कुछ वीडियोस मैंने भी डाल रखे हैं शॉर्ट वीडियोस उसके अंदर, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप, वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, है ना। ये मैंने भी डाल रखे हैं कुछ वीडियोज, है ना, उसी से मिलता जुलता है। वो कह रहा है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये समझो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम से मतलब क्या समझता है। वॉल्यूम मतलब क्या, जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी। गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, अगर आप लिक्विड और सॉलिड से कंपेयर करते हो, गैस हर पॉसिबल एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो वो कह रहा है सर इसका, इस एबिलिटी का प्रेशर या टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना है, ये सब में पढ़ना है। या फिर प्रेशर का टेम्परेचर और वॉल्यूम से क्या लेना देना है, या फिर टेम्परेचर का प्रेशर और वॉल्यूम से क्या लेना देना है, यानी इन तीनों का आपस में एक दूसरे से क्या लेना देना है, ये हमें समझना है। तो सर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे पर, ये समझना जरूरी है ना। तो तुम समझ पाएंगे कि क्या लेना देना है, मुझे आपसे क्या लेना देना है या आपको मुझसे क्या लेना देना है। तो उससे समझना होगा ना कि हमें, हम लोगों को हमारा एक दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मॉलिक्यूलर मोशन पे क्या फर्क पड़ता है, अब वो हमें पढ़ना है विद रेस्पेक्ट टू मोशन, विद रेस्पेक्ट टू मोशन कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशनशिप आपस में, उसकी उस रिलेशनशिप कैसे मॉलिक्यूल के मोशन पर, उनके मूवमेंट पर क्या फर्क। तो सुनो जैसे हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जैसे हम टेम्परेचर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा देने से, टेम्परेचर बढ़ा देने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी का होती है इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ एट खींचने की मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे का खींचने की पावर जो है ना वो कम होती है, यानी कि वो सब आप बहुत क्लोज नहीं हो पाते, वो और दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और वो दूर दूर हो जाता है। यानी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा। रिलेशनशिप समझ में, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा वॉल्यूम बढ़ा, और सर मैं आप ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, उल्टा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं टेम्परेचर गिराता हूँ तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कम प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर का भी उसको फर्क पड़ना चाहिए। तो टेम्परेचर का प्रेशर पे मतलब देखो सिंपल सा, प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का काम करता है, प्रेशर बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर का बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल जो है ना एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे, अब क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की बात की जाए तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम की बात किया तो उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, ठीक है। पढ़ते हैं जरा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, 2 सेकंड रुको, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन सो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको उल्टा मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि काइनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग में कह सकते हो कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है इसलिए वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज, वो कह रहा है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना एक पार्टिकल में वो डायरेक्ट प्रपोर्शनल होती है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर के इसमें रिलेशनशिप ना सिर्फ ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। यही मैंने आपको ही बोला था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी गिर जाएगी, डायरेक्ट
डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, आपको याद रखनी है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ा मोशन बढ़ा, अब व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीजेस, ठीक है। सजेस्ट दैट व्हेन द टेम्परेचर इज जीरो, इससे जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मोशन भी बंद हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब बंद हो जाना, सीधे से मतलब बंद हो जाना। दिस फैक्ट इज अप्लाइड इन डिफाइनिंग द स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल। वो कह रहा है ये जो फैक्ट है ना क्लोज हो जाएगा, ये हम सीखेंगे जब हम केल्विन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो केल्विन स्केल क्या है, जिस तरह से हम सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जिस तरह से हम फारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सर आपको पता होगा सेल्सियस में हम नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करते हैं, फारेनहाइट में हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। इस तरह से एक तरह का टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, यानी केल्विन का एक यूनिट है, एक स्केल है ना, एक फारेनहाइट और सेल्सियस पढ़ेंगे उसके बारे में अगर आता है तो। आगे द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन इज कम्प्लीटली सीजेस ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कह रहा है। सर वो कौन सा टेम्परेचर है जब मॉलिक्यूलर स्केल, जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मूव करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। सर वो कौन सा टेम्परेचर, वो भी केल्विन स्केल पर, सर वो जो भी हो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ऑब्सोल्यूट जीरो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे ऑब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। यानी इससे क्या मालूम पड़ा, इससे मालूम पड़ा कि 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू -273 माइनस के नहीं है वो, ओके नहीं है वो, ठीक है, 0 डिग्री है वो, -273 डिग्री सेल्सियस। यानी जो काम 0 डिग्री केल्विन पे होता है ना वही काम -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसी चीज ना। सर ये क्यों आपने लिखवाया, अब इसके मेरे ख्याल से हो सकते उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आए, मैंने तो देखे नहीं है पूरा चैप्टर, हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यूनिट्स वगैरह दे रखी हैं, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, हो सकता है इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो मजेदार मजा आएगा इसमें चैप्टर में। हाँ दिए हुए तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पता नहीं क्वेश्चन है या नहीं, चलो दिए तो मजा, आज तो नहीं कल या परसों ही आएगा मजा। व्हेन अ गैस इज एनक्लोज्ड ऑब्वियसली, ये वाला पढ़ते हैं, ऑब्वियसली टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो दैट इज 273 आर नॉट पॉसिबल। वो कह रहा है इससे भी लोअर टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इस -273 डिग्री से तो नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, फिर 0 डिग्री केल्विन से तो नीचे क्यों है नहीं, क्यों सर, सारे ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स ने मूव करने बंद कर दिया, ठीक है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, अब वो ऑलरेडी बंद हो गए, अब उल्टा थोड़ी चलेंगे, फिर तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो इससे ज्यादा करना, इससे ज्यादा इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। व्हेन अ गैस वेसल, जैसे क्लोज इन अ वेसल, जैसे ही गैस को किसी वेसल में एनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, पैक किया जाता है, कुछ बोल लो, इट एग्जर्ट्स अ यूनिट, अब ये क्या करते हैं, अब हम प्रेशर लगाते हैं, एक पावर लगाते हैं, इसको हम प्रेशर लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, है ना, ऑन द वॉल्स, और इसी ऐसे वॉल्स पर क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, टकराते हैं। द रीजन इज दैट पार्टिकल्स ऑफ गैस कॉलाइड विद अदर, इसका रीजन ये है क्योंकि पार्टिकल जो गैस को आपस में उससे टकराते रहते हैं, है ना, और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और वेसल के वॉल के साथ में, सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सफर कोलिजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल सफर करते हैं, कॉलिजन सफर करते हैं विद द वॉल, एक एप्रिशिएबल फोर्स जो है ना वो वॉल पर लगता है। द फोर्स एग्जर्ट ऑफ द वॉल ऑफ द वेसल ऑफ द वॉल ऑफ द वेसल इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस, हो ये क्या कह दिया मैंने, क्या लिखा हुआ था, फोर्स एग्जर्ट उन्होंने यूनिट दिया, अब वो फोर्स जो हमने पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे लगाया है, ये एरिया मतलब का पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पर जो हमने लगाया है बॉल के, वो इक्वल होता है
प्रेशर के, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, है ना? ऐसे आप लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हो रही है। बट वेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, बट जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कीपिंग करके वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं वो। जैसे कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। समझ नहीं आया सर क्या रखा हुआ है? और क्वेश्चन तो सर यहाँ टैंप से कि टैंप से भरा, वॉल्यूम भर ही नहीं रहा। आपने तो टैंप से भरेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ, लेकिन मैंने बोला अब जो अगर वॉल्यूम आपके अवेलेबल है, जगह ही नहीं है, तो कहाँ से भर जाएगा? जगह भी तो नहीं सही है। अब वो गैस किसी जार के अंदर बंद है और जार को गर्म करते हैं, वो कहाँ से गैस भरेगी? गैस भरी नहीं पाएगी, जार तो बंद है। तो स्पेस भी तो होना चाहिए, तभी तो भरेगा। अगर स्पेस नहीं तो वो बंद ही रहेगा वहाँ पे। तो वो लिखा हुआ है टाइम से बंद है, वो टाइम से भरेगा तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा। और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सब सब वो गैस जो है ना अंदर अंदर वो उनके अंदर भागने की जाएगी। द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद अ ग्रेटर मोमेंटम। अब वो बहुत स्पीड से दूसरे टकराएंगे, ठीक है? इन ऑफ पार्टिकल्स कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स और सन की जो रेट है उनकी आपस में टकराने की भी इंक्रीज होगी। दस द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। अब वो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा, बस रिजल्ट इंक्रीज इन द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द गैस, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ए वन ऑफ द वॉल्स कंटेनर इज मूवेबल। अगर कोई भी एक वॉल मूवेबल होगी किसी कंटेनर के, यानी इसको शिफ्ट किया जा सके, है ना? फिर ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर दैट वॉल इज पुश्ड बैक एंड द गैस एक्सपेंड। तो ऐसे केस में वो बॉल है ना वो वापस हट जाएगी, वो पीछे हट जाएगी, वो पुश हो जाएगी, भर जाएगी, और गैस भर जाएगी वहाँ पे, गैस एक्सपेंड हो जाएगी। दस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज द इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन मॉलिकुलर मोशन। तब वो यहाँ पे ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना वो भर जाता है अगर आपका इस मोशन बढ़ता है तो, अगर आपके मूवमेंट्स बढ़ते हैं तो, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो, काइनेटिक एनर्जी की मोशन टेम्परेचर से बढ़ती है तो, वो चीज़ है, ठीक है? हाँ, द गैस लॉस ये हो जाएगा 15 मिनट में। हो जाएगा यहाँ तक तो हो ही जाएगा। तो देखते हैं द गैस लॉस। द बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉस नोन एज गैस लॉस वगैरह। जो बिहेवियर है ना गैस का, इन तीन कंडीशन के, इन तीन कंडीशन के अंडर में जो बिहेवियर, उस बिहेवियर को जो लॉ समझाता है उस लॉ को हम बोलते हैं गैस लॉस, ठीक है? स्टैंडर्ड वेरिएबल्स फॉर गैस लॉस वो कह रहे हैं, गैस को वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? आप उनको अपनी तरफ से नाम बनते हैं, हमने ऑलरेडी उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है, जैसे कि वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, इनको हम वी पी टी बोलेंगे। आप इनको कोई दूसरा नाम मत देना, हम उनको वी पी टी बोलेंगे, कैप्स में तो कैप्स में, ठीक है? ऑल गैसेस सिमिलर इन देयर फिजिकल बिहेवियर। सारी गैसेस फिजिकली तो सेम ही होती हैं फिजिकल बिहेवियर में। द एक्सपेंड एंड कॉन्टैक्ट इक्वली, वो एक्सपेंड होती है कॉन्टैक्ट होते हैं इक्वली, है ना? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंशन प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस अचानक चेंजिंग वन और मोर देन वन वेरिएबल दैट इज प्रेशर या वॉल्यूम और टेंशन रिजल्ट इन अ चेंज इन द रिमेनिंग वेरिएबल। वो क्या कह रहा है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस मतलब क्या? गैस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और किसी भी एक पार्टिकल में भी चेंज होता है, ठीक है? मतलब किसी एक पार्टिकल में चेंज होता है, अ चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल, है ना? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी किसी एक यूनिट का, मतलब वो कह रहे किसी एक यूनिट में चेंज नहीं होता, किसी भी पार्टिकल के, या तो किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल के वेरिएबल में अगर चेंजेस आ जाते हैं, तो पार्टिकल के वेरिएबल मतलब कि किसी पार्टिकल का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाए, किसी पार्टिकल का प्रेशर चेंज हो जाए, तो किसी पार्टिकल का टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है ना वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है?
द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस है ना, वो है जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है ना. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. सर स्पेस तो कोई भी गैस का कंटेनर करेगी जितना उसका कंटेनर ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, यूनिट्स क्या है इसकी? तो स्टैंडर्ड यूनिट इसकी है क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर. अदर यूनिट्स क्या क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, लीटर. ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत. प्रेशर. प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट गेट अ गैस एग्जस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर. ठीक है, ये समझाया था. आर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमोसफेयर. बिल्कुल. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर. बिल्कुल ही पढ़ा हमने. स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ वन एटमोसफेयर, शॉर्ट में ये बोलते हैं 1 ATM, है ना. स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ वन एटमोसफेयर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड 76 मीटर ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड ग्रेविटी. छोड़ दो, साइन ओके लिखा हुआ. ये यूनिट अभी मैं याद करा दूंगा, लास्ट में मुझे याद रहेगा, है ना. द ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. याद रखना है, ये शायद अच्छी बात है पर लोग बहुत अच्छी बात है पर लोग भूल जाते हैं इस यूनिट को, क्योंकि बहुत कम इसका मतलब यूज होता है. पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर. पास्कल मतलब के पास को डिफाइन कैसे करोगे? प्रेशर एग्जर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एरिया 1 मीटर स्क्वायर. जब 1 यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट ऑफ वो एरिया पर एग्जर्ट होती है तो उसको बोलते हैं पास्कल. सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर प्रेशर का यूनिट क्या होती है? तो पास्कल होती होती है. एटीएम भी होती है. सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है. टॉर जो कि टॉरिस शैली है उससे भी हो सकती है. 1 ATM इज इक्वल टू दिस. सेम सारे समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब. द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट गैस. किसी भी चीज का टेम्परेचर कैसे डिफाइन डिफाइन करेंगे, उसमें कितनी हॉटनेस है. द मोर कॉमनली यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल. जो मोर कॉमनली यूज होता है वो सेल्सियस होता है, जिसको सेंटीग्रेड भी बोला जाता था पहले. द जीरो ऑन सेल आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी मतलब टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस में गो बिलो जीरो, मतलब आ सकता है. अ सब्सटेंस कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर टू. द बिहेवियर ऑफ गैसेस शो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टेम्परेचर बिलो 273 नेगेटिव 273 डिग्री सेल्सियस. वो कहते हैं इनका बिहेवियर ऐसा है कि आप इससे नीचे टेम्परेचर नहीं दिखा सकते. दिस फैक्ट हैज लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अनदर स्केल नोन एज द केल्विन स्केल. इसी की वजह से एक नया स्केल फॉर्मुलेट हुआ, केल्विन स्केल. द जीरो ऑन दिस स्केल करेस्पॉन्ड टू -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है. रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री, तो वो कह रहे हैं केल्विन में केल्विन डिग्री कैसे ऐड करोगे? तो वो कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस में कर दो, डिग्री ऐड कर दो, आपके पास केल्विन स्केल आ जाएगा. यानी सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, आपके पास केल्विन आ जाएगा. ठीक है, यहीं तक करवा रहा हूँ मैं भी, है ना. ओके, आगे अब मैं इसको कराऊंगा तो अच्छा मैथमेटिकल स्टार्ट करेगा. मैथमेटिकल में थोड़ा सा पढ़ाने से काम नहीं होगा, फिर तो मुझे क्वेश्चन करने पड़ेंगे. मैं आपको होमवर्क मार्क नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को ध्यान है. मैंने जब ये पिक्चर डाउनलोड की तो एक पेज मेरा मिसिंग हो गया था. ठीक है, थोड़े बहुत मैं करा देता हूँ. थोड़े बहुत आप देख लेना जो आपके मिल सके ना. आपको सर ये भी सकता हूँ, सारे भी मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लेना. पेज मिसिंग हो गए मेरे ख्याल से, है ना. ठीक है, एक वाले क्वेश्चन तो आप करना है. 126 पेज आपको थ्योरेटिकल मिले, वो भी आप ट्राई करना करने का.